नमस्कार दोस्तों, पहले ऑप्शन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना वीरेंद्र भाई, ये बोलने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, और ऐसे करने का मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है क्या चल रहा है हमारे देश में। ये ऐसे रहने का क्यों मन कर रहा है आपको पता भी होगा। ये चीजें कैसे हो दोस्तों? नहीं, मुझे पता है, और मैं चुप नहीं, पूरा देश चुप है, क्योंकि पूरे देश की जुबान कट गई है इस टाइम पे। जी हाँ, वीडियो को पूरी जरूर देखना ताकि आपको भी कुछ बातें पता लगेंगी जैसे मुझे पता लगी हैं। मुझे जो जो बात पता लगी है मैं आज उनके बारे में बात करूंगा, और मैं बात करूंगा आज सुशांत का कातिल मिल गया और रिया ड्रग्स लेती हुई पकड़ी गई। मजा आ गया होगा, अच्छा लग रहा होगा। सुनो आगे, ये काम मीडिया कर रही है, ये काम मीडिया कर रही है, और जो काम मीडिया को करना चाहिए वो नहीं कर रही है। कुछ मीडिया वाले हैं वो कर भी रहे हैं, उनको करने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन कुछ हैं जो सुशांत, रिया, सुशांत बॉलीवुड नशेड़ी। क्या भाइयों, किसी ने ट्वीट किया है, जब एक जानवर की, एक हाथी की, हथनी की मौत हुई थी, सभी ने ट्वीट किया, सभी ने, एक तो एक बड़े सेलिब्रिटी ने ट्वीट किया, लेकिन अब एक लड़की की डेथ हो गई, और ऐसी डेथ नहीं हुई है, कुछ घटिया दरिंदों की वजह से डेथ हुई है। किस चीज में नाम रोशन हो रहा है ये बताओ आप। अब तीसरे दिन बलात्कार, मतलब हद करते हुए यार, कती, मतलब इतनी, बस ये बॉलीवुड नशेड़ी है। सुशांत की मौत कैसे हो गई, रिया कैसे पकड़ी गई, रिया को क्या सजा हो गई, आप लोग भी ये देखना पसंद करते हो, जो दिखा रहे हो भी ये पसंद करते हैं। लेकिन मैं आज वर्कआउट कर रहा था, वर्कआउट नहीं कराएगा, कल मैंने पोस्ट डाली उस पर, मेरे को पता नहीं क्या क्या बोला गया कि भाई तू अपनी पोस्ट क्यों डाल रहा है यार। अगर कोई नहीं, चलो मैं कोई नहीं जानता, मैं ये सोचता हूं मुझे 10 लोग देखते हैं, 10 लोगों में से एक लोग तो बदलाव लाएगा ना, सुंदर बूंद बूंद से भरता है। तो अगर मैंने एक पोस्ट डाल दी तो आप किस, आप फेसबुक भी चलाते हो, इंस्टाग्राम भी चलाते हो, ट्विटर भी चलाते हो, लेकिन किसी ने, किसी सेलिब्रिटी ने नहीं डाली, जबकि एक थी अतनी मरी थी उसके ऊपर हमने बहुत पोस्ट देखी, लेकिन यहां तो एक जिंदा लड़की की डेथ हो गई और कुछ घटिया दरिंदों की वजह से, और आज वो है जेल में है, लेकिन सजा नहीं मिलेगी उनको। वो पीछे निर्भया का केस याद होगा आपको, 8 साल में सजा मिली थी, लेकिन उसके, उसके जो परिवार वाले हैं उनको कितनी बड़ी सजा मिल गई ये बताओ आप। और ये जो नारा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको एक और जोड़ दो मेरे हिसाब से, अगर आप भी इस चीज पे कमेंट करके बताना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ऐसे घटिया नजर वालों या घटिया दरिंदों को फांसी पे लटकाओ, ऐसे फांसी पे लटकाओ। मुझे नहीं पता कितने और भी जितने देश हैं, सभी अपना को फांसी पे लटकाता, अलग अलग कानून बना रखे सभी देशों ने, हमारे देश में ऐसा क्यों है ये, क्यों है ये? क्योंकि हमारी वजह से, हमारी आवाज नहीं उठती, हमारी आवाज नहीं पहुंचती। अभी अभी मैं देख रहा था यहाँ पे कि मीडिया वाले, एबीपी न्यूज वाले हैं वो जा रहे हैं, लेकिन उसके पीड़ित के जो परिवार के उनसे बातें नहीं हो रही है, क्यों भाई? और उसको ही लोग, देखो ये राजनीति आड़े लोग, मुझे नहीं पता, मैं किसी को नहीं जानता, ना मेरा किसी पे कोई टारगेट है, लेकिन ध्यान से सुन लेना जो भी हो आप, कि ये जो आप राजनीति वाला या जातवाद वाला गंदा खेल खेल रहे हो ना, भगवान तुम्हें देख रहा है। यहां पे भी राजनीति, यहां पे भी जातिवाद कर रहे हो आप लोग, यहां पे भी, मतलब इतना घटिया काम, मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि गरीब की बच्ची हो तो उसको ऐसे ही उठा के ले जाके और कुछ भी कर दोगे उसके साथ, क्यों? पता है कि जेल में तो रह के आना है, फिर किसी की सिफारिश लगवा देंगे, फिर आ जाएंगे। आपको याद होगा पीछे, मैं नाम तो नहीं लूंगा उसका, लेकिन पीछे एक ऐसी गाड़ी पलट गई थी, वो भी मतलब इन कामों में था, गिरफ्तार किया गया और वो गाड़ी पलट गई और मौत हो गई। क्या ऐसी गाड़ी फिर पलटेगी दोबारा? और मैं चाहता हूं, और कौन कौन चाहता है मुझे बताना, कि कौन कौन चाहता है कि ऐसे गाड़ी पलटे और लोगों को डरने लगने लगे कि नहीं भाई, लड़की की तरफ देखेंगे ना तो मार दिए जाओगे, ये डर तो है नहीं हमारे को,
नहीं, क्या है, जेल काट के आ जाएगी, ज्यादा होगा तो क्या है। उस सरकार के बारे में ना ही बोलूं तो अच्छा है, क्योंकि अभी जो फिलहाल में चल रहा है ना, जो अभी प्रशासन चल रहा है, अभी मैंने फेसबुक पे लाइव देखा कि उसके घर वालों पे भी दबाव डाला जा रहा है, और रात को, मतलब यार कोई भी किसी की डेथ हो जाए तो रात को ही मतलब जला देते हैं, रात को ही आत्म संस्कार कर देते हो, जबकि कोई भी उसका घर परिवार वाला वहां पे नहीं होता है, तब उसका आत्म संस्कार किया जाता है और फिर बोलते हैं कि कुछ नहीं है, मामले को ठंडा करो। मतलब ना मीडिया काम कर रही है, ना सरकार काम कर रही है, ना कानून, तो क्यों ये कोर्ट और क्यों ये थाने बनाए गए हैं। हमारे को डर रहता है कि भाई पता नहीं पुलिस वाला है क्या कर देगा, लेकिन उन दरिंदों को क्यों नहीं डर रहता यार, उनके अंदर क्यों नहीं डर बैठा हुआ कि हमें फांसी हो जाएगी या हमारे साथ ऐसा कुछ किया जाएगा या चौराहे पे लटका के चप्पलों के साथ उनका स्वागत किया जाएगा, क्यों नहीं होता ये चीजें। और अगर उनको कुछ कोई बोल दे तो दूसरे को सजा हो जाती है। मुझे नहीं पता मैं आज क्या बोल पा रहा हूं, सॉरी अगर किसी को भी बुरा लगे, लेकिन जो ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको साबित करना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और दरिंदों को ना जो करने की तो छोड़ो, अगर कोई उसके बारे में सोच भी ले तो उनको फांसी पे लटकाओ। मैंने कल एक पोस्ट डाली, उस पे 200 कुछ कॉमेंट है, कई लोगों के ऐसे कॉमेंट थे, इतनी घटिया सोच वाले कॉमेंट थे कि ये तो अपनी प्रमोशन कर रहा है। यहाँ पे क्या प्रमोशन थी भाई, उसमें किसने क्या कर दिया यार, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर किसी ने पोस्ट, अगर मेरी बात सुनो, अगर मीडिया नहीं सुन रही हमारी, क्या पता मैं ये सोच के पोस्ट डाल रहा हूं, और ये वीडियो भी यहां पे भी नेगेटिव कमेंट आएंगे, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा चैनल जाए तो जाए, कोई मतलब नहीं। हमारे भी सिस्टर, हमारी भी माता है, अगर कल न उसके साथ किसी को हो जाए तो, अगर कल न ऐसा कुछ हो जाए तो, और ये जाति धर्म से निकलो प्लीज, ये राजनीति में मत उलझो। ना मैं इतना बड़ा हुआ हूं, ना मुझे इतनी है कि मैं राजनीति के बारे में बताऊं आपको या समाज के बारे में बताऊं, आप ऑलरेडी समझदार हो, और आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो ना, आप ऑलरेडी समझदार हो, लेकिन आप समझदारी दिखाना नहीं चाहते हो अपनी, आप ऑलरेडी समझदार हो लेकिन आप चुप बैठे हो। चुप मत बैठो, YouTube पे, ट्वीट पे या ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे या YouTube पे वीडियो बना के डालो या Facebook पे वीडियो डालो, ताकि आपकी एक, आपकी 10 बंदे वीडियो देखते हैं तो एक के दिमाग में तो आएगा ना कि हाँ हमें हेल्प करनी चाहिए। और ये मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिस जिसने पोस्ट डाली है कि उनको न्याय रियलिटी में ही चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि अगली बार कोई सोच भी ना सके उस चीज के बारे में, कुछ भी ना सोचे। एक तरफ कल्पना चावला या इतनी सारी जो हमारे देश की बेटियां हैं उनके नाम पे इतना गर्व होता हमें, और एक तरफ कि ऐसी जो हमारी बेटियां हैं उनके साथ इतना गलत काम किया जाता है, और जीव काट दी जाती है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है। पीछे जो निर्भया का केस हुआ था बस में, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या किया गया था, और 8 साल में सजा मिली थी उसको, उसको तो उसी टाइम सजा मिल गई ना। और जब तक पुलिस वालों की भी मैं इस चीज में गलती मानता हूं कि इस चीज में कि मतलब जब तक केस दर्ज नहीं किया गया, जब तक दबाव नहीं आया, जब तक केस भी दर्ज नहीं किया गया, ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ यार इस चीज में तो। ये कोई मेरे हिसाब से कोई भी हमारे डर नहीं रहा हासिल में, तो डर नहीं है किसी को भी, क्या होगा, ज्यादा ज्यादा थाने में चले जाएंगे, बेल मिल जाएगी या फिर सजा हो जाएगी बस। मतलब अपना ये 5-10 मिनट के स्वाद के चक्कर में किसी का नाश कर रहे हो आप, ये नहीं देख सकते। आपकी एक घटिया ही सोच हमें नीचे गिराती है, आपकी एक घटिया सोच हमें नीचे गिराती है हमेशा। और हां, जो मेरी बहन बेटी जो भी हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, डरो मत, सामना करो, डरो मत, सामना करो और अपनी आवाज उठाओ। और हाँ, क्या क्या गंदी सोच रहती है कुछ लोगों की कि उसने छोटे कपड़े पहने हैं, तुम्हारी छोटी सोच है, उसके कपड़े छोटे नहीं, तुम्हारी सोच छोटी है, तुम्हारी सोच इतनी घटिया और गिरी हुई हो चुकी है कि उसकी कोई गलती नहीं है। क्यों भाई, तुम सैंडो क्यों पहनते हो, तुम क्यों अपने अलग अलग कपड़े पहनते हो, मतलब लड़कियों को कोई हक नहीं है, पूरा हक है भाई। एक तरफ लड़कियों को मिसाल, एक तरफ
मिसाल के तौर पे बताया जाता है, जैसे कितने मेडल लड़कियां जीत के लाई है, कितना देश का नाम रोशन लड़कियों ने किया है, और एक तरफ ये गंदे काम हो रहे हैं यहाँ पे और कोई आवाज भी नहीं उठा रहे वहां पे। मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही कि क्यों नहीं ऐसा कानून बनाया जाए कि ऐसे सोच करना तो छोड़ो यार, सोच भी लेना जो उसका ही इतना बुरा गंदा हाल किया जाए कि अगला बच्चा भी देखे और डरे, कि जो भी ये देखे कि हाँ ये हो सकता है मेरे साथ भी। नहीं, लड़के नहीं डरते, लड़कियां डरती हैं। अभी ये नहीं पता कितनी मनीषा और बनने वाली है अगर हमारा कानून, हमारी मीडिया चुप बैठी रही तो, और भी बहुत सारी होंगी। और मोमबत्ती मत जलाओ, जो एक गंदा काम करता है उसको जला दो। मोमबत्ती जलाने से नहीं होगा। कितनी बार हमने मोमबत्ती जला ली, कितनी बार हमने मोमबत्ती जला ली, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। 8 साल में उनको फांसी होती है, 8 साल में उनको फांसी होती, तो ये क्या दोबारा से 8 साल दोहराए जाएंगे या तुरंत इस पे एक्शन लिया जाएगा? और ये जो अभी भी मैं एक लाइव देख रहा था, मतलब गांव में घुसने नहीं देते। एक दो मीडिया वाले जो हमारी, जो मेरे दो, आप सब लोगों ने वीडियो डाली होंगी या पोस्ट डाली है, तो मीडिया वाले जागे हैं, जाने के लिए बात कर रहे हैं, जो पीड़ित के परिवार है उनसे बात ही नहीं कर पाते। तो इसका मतलब तो फिर ये तो यार साजिश हो गई, ये तो बिल्कुल साजिश हो जाती है कि हम, मतलब जो पीड़ित के परिवार वाले हैं उनकी हेल्प करना तो दूर, हमको आप तो उसको परेशान कर रहे हो। और हाँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपना दिल का दुख बता रहा हूं आप लोगों को, अपने दिल का दुख बता रहा हूं कि मुझे कितना फील होता है। बहन है, वो भी हमारी बहन है, हमारी माता है भाई। नारी शक्ति एक ऐसी है कि उसकी रिस्पेक्ट करो जितनी हो सके। और ये घटिया सोच, एक तरफ हम नारा लगाते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर बेटियों के साथ ये काम करो और फिर उनको सजाए ना मिले, जबकि नारा ये होना चाहिए, मैं फिर दोहरा रहा हूं और आप लोगों ने भी ये नारा लगाना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जो बेटियों के बारे में गलत सोचे उसको फांसी पे लटकाओ। ये सोच होनी चाहिए आप लोगों की। और बेटी पैदा करने से क्यों डरते हैं लोग? ये नहीं कि बेटी को ब्याहना है, शादी करनी है या कुछ देना है या नहीं, ये कुछ घटिया दरिंदों की वजह से डर रहे हैं कि बेटी को पढ़ाओ पालो पोसो, और फिर कुछ घटिया 4-5 घटिया सोच वाले बंदे आ गए हमारी बेटी के साथ गलत काम करेंगे और उनको सजा तक नहीं मिलेगी। हमें पता है कानून के साथ हमें बोलता रहा है, ये कितनी बार हो चुका है और कितनी बार होगा, ये क्या कितनी और मनीषा ऐसे जाएंगी? और जबकि ये भी नहीं पता कि उसकी डेथ होने के बाद उसको, उसका अंतिम संस्कार उसके घर वाले भी नहीं कर सकते, कोई और पुलिस वाला आके कर जाते हैं, तो उनकी भी कोई गिरफ्तारी नहीं, उनके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। बेटी पैदा करने से कोई नहीं डरता, लड़का और लड़की में कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसी घटिया, इन घटिया दरिंदों की वजह से बेटी पैदा करने से डरते हैं लोग, क्योंकि हम पालेंगे पोसेंगे और उसके साथ कोई ऐसा कर देगा, खून नहीं खोलेगा भाई आप लोगों का भी। अगर आप लोग अभी भी चुप बैठे हो तो आप तो बिल्कुल असल में तो ये समाज ही हमारा ऐसा है, जातिवाद या धर्म क्यों भाई, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि हिंदू और मुस्लिम की लड़की में क्या फर्क होता है, क्या चेंज होता है, क्या इसमें ऐसा होता है कि हिंदू की लड़की ऐसी पहचानी जाएगी, मुसलमान की लड़की ऐसी पहचानी जाएगी? तो दोनों का शरीर एक होता है ना, फिर ये क्यों धर्म और ये आप बीच में ला रहे हो हिंदू और मुस्लिम? ये सिर्फ हमारी यहाँ की सोच है या कुछ लोगों की घटिया चाल की वजह से हम ये सोच रहे हैं क्या यार मुस्लिम की लड़की है, हिंदू की लड़की है? नहीं, सब एक है भाई। अगर ऐसे कामों में भी हम ये जातिवाद या धर्म में आएंगे ना, तो हमसे घटिया इंसान कोई नहीं है। ये तो हो गया कि गरीब की लड़की देखी या दूसरी जात की लड़की देखी, उठाई और कुछ भी कर दिया। मतलब पहले ये काम
फिल्मों में हम देखते थे, फिल्मों में ये मतलब सीन होते थे, अब रियलिटी में होने लग रहा है। अब रियलिटी में मतलब पहले फिल्म देखते थे तो ये नहीं लगता था कि ऐसा भी होता हुआ, लेकिन अब ये कलयुग कि हमारी बेटी और बहन के साथ इतना गलत काम हो रहा है और हम कुछ बोल नहीं सकते, कुछ बोलेंगे तो हमें सजा मिलती है। हो सकता है कि आप बता जिस मेरी वीडियो की वजह से मेरा चैनल भी उड़ा दिया जा सकता है या मेरे पे भी कुछ कार्रवाई हो सकती है, बट मैं किसी को टारगेट नहीं करता, मैं एक अपनी भावना बता रहा हूं, अपने अंदर की भावना बता रहा हूं जो मेरे अंदर चला हुआ है, जो आग मेरे अंदर लगी हुई है और मैं देखना चाहता हूं आपके अंदर कितनी आग लगी हुई है। और सॉरी अगर इस वीडियो में मैंने कुछ गलत भी यूज किया हो, क्योंकि मैं एक फिटनेस की वीडियो बनाता हूं, डाइट की वीडियो बनाता हूं और जो लेडीजों की हेल्प के लिए वीडियो बनाता हूं, लेडीजों की हेल्प के लिए वीडियो बनाता हूं, लेकिन क्या हेल्प करके क्या फायदा लेंगे, कुछ ज्यादा दिन दे आगे कुछ भी गलत काम कर देकर उनको सजा तक नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो ये नहीं पता कब उनको सजा मिलेगी हमें। लेकिन वही फिर आगे फिर और मनीषा दोहराई जाएंगी, अगर इस चीज पे कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो आगे फिर और मनीषा दोहराई जाएंगी। और प्लीज मैं ये नहीं बोलूंगा इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कुछ मत करो, लेकिन कुछ अपने दिमाग में लगा लो कि हमें अपनी बहन बेटियों को बचाना है तो ये आवाज हमें उठानी चाहिए। आपका YouTube चैनल नहीं है तो YouTube चैनल बनाओ, सोशल मीडिया में इतनी पावर होती है, आप हर एक चीज वो कर सकते हो जो आप आराम से नहीं कर सकते, आप सोशल मीडिया में वो काम कर सकते हो। और सोशल मीडिया का गलत यूज मत करो, एक अपनी गाइडलाइंस के हिसाब से उसको यूज करो, ना कि उसके बारे में गलत यूज करो, कुछ अफवाह मत फैलाओ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, मेरे लाखों फॉलोअर्स नहीं, मैं ये सोच के वीडियो बनाता हूं कि 10 लोग मुझे देखते हैं, उनमें से 2 या 4 लोग मुझे फॉलो भी करते होंगे कि हाँ हमें इस बंदे की बातों पर गौर करना चाहिए। लेकिन कुछ घटिया लोगों की सोच की वजह से कुछ लोग डर भी जाते हैं। लेकिन कल नया आपकी माँ और बहन है बेटी के साथ ऐसा होगा ना, तब पता चलेगा, अब दूसरों की नहीं देख पा रहे हो आप लोग। नहीं बोल सकता मैं, सॉरी मेरी आवाज नहीं निकलती बिल्कुल। और किसी को मेरी वीडियो से बुरा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना। और हाँ एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये नारा होना चाहिए या नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जो दरिंदे गंदी सोच वाले हमारी लड़कियों की तरफ देखे उसको फांसी पे लटकाओ या ऐसी सजा दो कि रू कांप जाए, दूसरा कोई करने के बारे में सोचे दो। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आप इस चीज को इतनी आवाज उठाओ कि आगे कोई भी और सरकार मजबूर हो जाए उनको अभी तुरंत सजा देने पे। और हाँ एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आप कमेंट, अगर आपके हाथ चल रहे हैं ना, अगर आप लूंज पूंज नहीं हो, मतलब अगर आप लिखने के लायक भी नहीं हो, ये जरूर बताना, अगर आपको उन दरिंदों को सजा देने का मौका दिया जाए तो आप क्या उनको सजा देना चाहोगे। हालांकि होगा नहीं ये, लेकिन फिर भी आप अपने जो मैं यहां वीडियो में जरिए अपना दर्द निकाल रहा हूं ना दिल का, आप अपने यहां बता सकते हो मुझे कि अगर आपको मौका दिया जाए या आपको हक दिया जाए कि आप उनको क्या सजा देना चाहोगे, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपनी बहन और बेटियों से कि मत डरो, आवाज उठाओ, स्ट्रोंग बनो, वर्कआउट करो, मेहनती बनो और कामयाब हो और अपने देश का नाम रोशन करो। और लड़के से ये बोलना चाहूंगा कि भाई जैसी तुम्हारी माता और बहन है ना, दूसरों की को भी वैसी मान लो, जिंदगी में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि परिस्थितियां कैसी भी हो अगर इंसान हार नहीं मानता ना, उसको हराने वाला कोई पैदा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं नहीं हूं बोलने लायक, अब आपकी बारी है, मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया, अब आपकी बारी है, मैं आपको देखना चाहता हूं आप कितना बोल सकते हो और कितनी आवाज उठा सकते हो। वीडियो देख रहे हो ना आप, देख लो इस वीडियो में, यह जरूर देखना कि मेरे को जितना दर्द है क्या आपको इतना दर्द हुआ या नहीं। वीडियो लंबी है, ये क्यों लंबी है, क्योंकि ये किसी टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई मैंने एक जर्नली वीडियो बनाई है। अब वो मनीषा है जो, उसकी क्या गलती थी भाई,
क्या गलती थी उसकी जो उसको इतनी बड़ी सजा मिली, और फिर भी उसके उसका उसका अंतिम संस्कार जो किया है वो ये पता ही नहीं कि कब किया और रात ने किया, और बस सीधी ये बता दी, दिखा दी गई है कि ऐसे हुआ, कुछ नहीं पता उसके बारे में। सॉरी अगर किसी को मेरी बात बुरा लगे, अच्छी लगे तो बताना जरूर, ताकि और भी लोग मोटिवेट होके आवाज उठाए, और आवाज हमें उठानी चाहिए या नहीं कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आपको हक दिया जाता उनको सजा देने का तो आप क्या सजा देना चाहोगे उन लोगों को, जरूर बताना। अगर आपको उन चार या जितने भी दरिंदों और भी आगे दरिंदे आए तो उनको क्या सजा देना चाहोगे आप अपने हिसाब से, अगर आपको हक दिया जाए।